9 बजे से शुरू हो जाता है कार्यक्रम, 9:30। और यहाँ की व्यवस्थाएं को लेके जो 2 साल से ऑफलाइन था कोरोना की वजह से, इस बार ऑनलाइन ऑनलाइन था, इस बार ऑफलाइन शुरू हुआ, तो क्या कहना है आपको, क्या है? सर मेरा क्या कहते हैं BSc 12 में हुआ था और मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्या कहते हैं एडमिशन कराने आया था, मेरा एडमिशन हुआ है अभी और मेरा जो था व्यू सही है यहाँ पे, फैकल्टी बहुत सही है यहाँ पे, देखने में सही लगा मेरे को। और मैंने पेपर भी ऑफलाइन ही दिया था लेकिन कुछ बच्चों ने ऑनलाइन भी दिया था, और ये अपने पे डिपेंड करता है कि आपको ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन देना है, वो ऑप्शन दे रखा था फॉर्म भरते वक्त। नहीं, एडमिशन प्रक्रिया कोरोना काल में ऑनलाइन था, ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होता है कि ऑनलाइन? सर ऑनलाइन सही रहता है क्योंकि ऑनलाइन अपने घर बैठे आराम से कर सकते हैं, फीस पेमेंट भी अगर था ऑनलाइन ही हो रहा है, नेट बैंकिंग सब हो रहा है, तो आराम से घर बैठ के सब बच्चे आराम से भर सकते हैं। ऐसे ऑफलाइन होता तो जाके यूनिवर्सिटी में या फिर क्या कहते हैं कहीं मिलता तो जाओ वहाँ से फॉर्म लेके आओ फिर भरो फिर जाके दो, इतना झंझट होता, ऐसे घर बैठे आराम से ऑनलाइन भर दो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोरोना के बाद पहली बार ऑफलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है कि ऑफलाइन, क्या है आपकी? नहीं, ऑफलाइन है तो अच्छी बात है क्योंकि अगर कोई जानकारी हमें लेना हो तो हम तुरंत ऑन द स्पॉट जो है कि यहाँ पे किसी भी ऑफिशियल से पूछ के जानकारी ले सकते हैं, तुरंत मिल सकता है। ऑनलाइन में हमें ये सब चीज़ फैसिलिटी नहीं मिल पाती है कि हम तुरंत इंक्वायरी कर सकें, तो ऑफलाइन प्रक्रिया थोड़ा जो है कि बेहतर है।